हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो गाइस, आप लोग यहां पे देख सकते हैं लैपबुक कूलर। यह है लैपटॉप का कूलिंग पैड और यहां पे रखकर लैपटॉप चलाना इजी होता है। और गाइस, यहां पे पीछे की तरह आप लोग प्राइस देख सकते हैं 800 रुपीज़, यानी कि ये मुझे 800 नहीं पड़ा, इसका प्राइस 500 में मैंने बाई किया है ये। और गाइस, इसका चलिए मैं इसे खोल कर आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका क्वालिटी वगैरह, ठीक है, और कैसे लैपटॉप में यूज़ होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये डाटा केबल और ये कूलिंग पैड दिया है। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसे अटैच करना होता है ये लैपटॉप के लिए, और ये दोनों तरफ अटैच कर दे रहा हूँ। अटैच हो गया दोनों तरफ। अभी आप लोग देख सकते हैं इसका क्वालिटी बिल्कुल मस्त है। और ये डाटा केबल, गाइस डाटा केबल को साइड में लगाना पड़ता है, और यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट में लगाने से और ऊंचा होगा, सेकंड में लगाने से थोड़ा नीचे होगा, और लास्ट में लगाने पूरा नीचे होगा। तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप लोग किसी भी तरह लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप जितना ऊंचा करने से भी नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये छोटा छोटा स्टैंड लगा हुआ है दो, तो उसकी वजह से स्लिप नहीं होगा लैपटॉप। तो ईजिली आप लोग अपने हिसाब से आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो पंखा दिया गया है, ये पंखा सिंपल सा, ये डाटा केबल जो दो पोर्ट दिया गया है, एक पोर्ट में एक पोर्ट रिजर्व चार्जिंग होता है, और एक पोर्ट में क्या होता है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन लगाने से वो लैपटॉप में लगाना पड़ता है वो पोर्ट, ठीक है। तो ये पंखा अब ऑटोमेटिकली घूमने लगेगा और कूलिंग करेगा लैपटॉप को। और यहाँ पर हल्का कलर भी जलता है अब ब्लू कलर का, और देखने में यूनिक लगता है, देखिए जल रहा है। तो चलिए, मैंने लैपटॉप में कनेक्शन किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, किस तरह से ये इस पंखा चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने लैपटॉप में कनेक्ट किया है, चल रहा है, अभी निकाल दिया, सो लाइट भी बंद हो गया। तो फिर से अटैच करूँगा, फिर से पंखा चलेगा। तो इसी तरह से ये काम करता है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।